कबड्डी चार, कबड्डी तीन, कबड्डी दो, कबड्डी एक, कबड्डी। मिराज शेख सुपर 10 पिछले मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन मिराज का, और इस बार वेस्ट से होल्ड कर लिए गए। दिल्लू राज कोरानी ने ये काम किया। गुजरात फॉर्चून जायंट्स फिलहाल डू और डाई रेड में। नवीन एक्सप्रेस सुपर टैकल परिस्थिति भी है यहाँ गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए। परवेश बैसवाल का पलड़ा उन पे भारी, यहाँ पर और जबरदस्त, इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो जहाँ था अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। ये 5 पॉइंट की रेड है नवीन कुमार की। ये बताता है इस खिलाड़ी ने सिर्फ एक सीजन के भीतर कितनी इज्जत बटोरी है। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर के सम्मान दे रहा है नवीन की इस रेड को। कितनी बढ़िया डुबकी, कितना बढ़िया एंटिसिपेशन और ये एक्सप्रेशन, ये सिर्फ नवीन की रेड्स में संभव है। और आखिर जोगिंदर ने सचिन का शिकार किया। दबंग दिल्ली ये 15वां पॉइंट है उनका, और बेहतरीन टो टच किया यहाँ पर। ये देखिए लंबा पैर खींचा, अच्छा टो टच, बहुत ही उम्दा। यहाँ पे सफलता मिलेगी गुजरात फॉर्चून जायंट्स के डिफेंस को। विनोद कुमार लाजवाब। भाई विनोद ने अपनी भूमिका जबरदस्त तरीके से निभाई है। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए और क्या चेन छोड़ करके डाइव किया, टाइमिंग कितनी खूबसूरत। और उसके साथ ही सुनील और परवेश की जो जोड़ी थी उसने भी सपोर्ट किया। चंद्रन रंजीत वो रेडर जिसके 69 रेड पॉइंट्स हैं इस सीजन में। 5.3 का एवरेज, आते ही 1 पॉइंट लेने में कामयाबी, बड़ी मछली फंसाई। बहुत बढ़िया कामयाबी का प्रतिशत है नवीन का सुपर टैकल में, 84% स्ट्राइक रेट। और ये देखिए 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली नंबर 12 और नंबर 11 आउट। सचिन आज केवल एक ही रेड पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन 4 के डिफेंस में कामयाबी। 1 पॉइंट जैसे मिले तैसे मिले, 10 मिल जानी चाहिए। बाहर किया विजय को। ये सुपर टैकल की सिचुएशन में दबंग दिल्ली और गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए इस मैच का हुलिया बदला है रोहित गुलिया ने। अब परवेश राइट कवर पे खड़े, लेकिन पकड़ा पंकज ने, और फिर से बाहर जाएंगे नवीन कुमार। रोहित गुलिया 9 रेड पॉइंट, या 10वां लगाएंगे बिल्कुल। गुजरात फॉर्चून जायंट्स सुपर 10 कंप्लीट किया रोहित गुलिया ने, और गुजरात फॉर्चून जायंट्स की है ये इस सीजन की 1 ऑफ द बेस्ट वापसी। आज की रात रोहित गुलिया के नाम रही, और लाजवाब बाहर किया रविंदर पहल को। एक बार फिर पिक्चर परफेक्ट किक देखने मिली। ये डू और डाई है, 4 का डिफेंस है। विजय को समय काटना चाहिए, अगर पॉइंट नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। दबंग दिल्ली केसी की एक बात तो बिल्कुल तय है कि चाहे डू और डाई भी हो, वो ओवर एग्रेसिवनेस जो आमतौर पे हम देखते हैं ऐसे समय पे जीत की एक्साइटमेंट में होती है, वो भी नहीं है दबंग दिल्ली केसी की। 1 पॉइंट जरूर दिया, और 4 पॉइंट्स के मार्जिन से ये मुकाबला हार गई है गुजरात फॉर्चून जायंट्स। जीत एक बार फिर मिली दबंग दिल्ली केसी को, लगातार 13वां सुपर 10 लगाया है आज। फिर से इन जनाब ने नाम है नवीन कुमार, और गुजरात फॉर्चून जायंट्स की लगातार 3री हार।